गुड मॉर्निंग BPA थर्ड टाइम स्टूडेंट BPA सिक्स टाइम स्टूडेंट्स। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमने पहले पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, तो उसका वो पहला पार्ट था जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स को हमने स्टडी किया था। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग का सेकंड पार्ट पढ़े। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको समझने की जरूरत है। ओरिएंटेशन प्रिंसिपल, ओरिएंटेशन प्रिंसिपल, ये मेरा प्रिंसिपल है। ओरिएंटेशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ये समझने की जरूरत है। प्रिलिमिनरी प्लानिंग जो प्रोडक्शन मैनेजर करता है तो उसको सिस्टम्स रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जिससे कि एग्जिस्टिंग मेथड्स को वो आइडेंटिफाई कर पाए, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाए, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं बॉडी कंस्ट्रेंट्स और इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट उनको आइडेंटिफाई कर पाए। सेकंड होता है प्लानिंग प्रिंसिपल, प्लानिंग प्रिंसिपल का मतलब ये होता है तो एक प्रोडक्शन मैनेजर को प्लानिंग करनी पड़ती है जिससे कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो आधारभूत सुविधाएं हैं, डिजायरेबल ऑप्शंस जो हैं उनका कंसिडरेशन किया जा सके और मटेरियल हैंडलिंग की जो भी कंटिजेंसीज होती है, स्टोरेज एक्टिविटीज, भंडारण की जो गतिविधियाँ होती है, स्टोरेज एक्टिविटी, उन सबको भी कंसीडर किया जा सके। स्टोरेज एक्टिविटी और मटेरियल हैंडलिंग, थर्ड जो प्रिंसिपल होता है वो है सिस्टम्स प्रिंसिपल, सिस्टम्स प्रिंसिपल। सिस्टम्स प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले इंग्लिश में बता देता हूँ। इंटीग्रेट बोथ हैंडलिंग एंड स्टोरेज एक्टिविटी विच आर इकोनॉमिकली वाइबल इनटू कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो हैंडलिंग और स्टोरेज एक्टिविटी होती है, हैंडलिंग और स्टोरेज एक्टिविटी, हैंडलिंग और स्टोरेज एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना, एक साथ जोड़ना, जो कि इकोनॉमिकली वाइबल भी हो और इनको जोड़ करके एक ऑपरेशन के अंदर कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनाना, जिसके अंदर रिसीविंग भी इंक्लूड होगा, इंस्पेक्शन भी इंक्लूड होगा, रिसीविंग इंस्पेक्शन ये भी इंक्लूड होगा और स्टोरेज इंक्लूड होगा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन इंक्लूड होगा, असेंबली इंक्लूड होगी, पैकेजिंग वेयर हाउसिंग इंक्लूड होगा, शिपिंग इंक्लूड होगा, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होगा, शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन इसके बाद जो छोटा प्रिंसिपल यूनिट लोड प्रिंसिपल, यूनिट लोड प्रिंसिपल ये कहता है कि हैंडल द प्रोडक्ट इन ए लार्ज यूनिट लोड एज प्रैक्टिकल। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो जिनका प्रोडक्शन लाइन पे हो रहा है उनको एक यूनिट लोड की तरह समझा जाए। फिर एक स्पेस यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल, स्पेस यूटिलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि जितनी भी क्यूबिक स्पेस अवेलेबल है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। क्यूबिक स्पेस का मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्पेस का ऑप्टिमम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो। स्टैंडर्डाइजेशन प्रिंसिपल,
स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्शन मैनेजर को जो हैंडलिंग मेथड्स होते हैं और इक्विपमेंट्स होते हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाना आवश्यक है। हैंडलिंग मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स, हैंडलिंग मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स, इनका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाना जरूरी है। फिर है अर्गोनॉमिक प्रिंसिपल, अर्गोनॉमिक प्रिंसिपल। तो अर्गोनॉमिक प्रिंसिपल क्या कहता है कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं और प्रोसीजर्स होते हैं उन सबको डिजाइन किया जाना आवश्यक है। मटेरियल हैंडलिंग प्रोसीजर इक्विपमेंट्स को डिजाइन किया जाना आवश्यक है जिससे कि ह्यूमन की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को रिकॉग्नाइज किया जा सके। फिर है एक एनर्जी प्रिंसिपल, एनर्जी प्रिंसिपल। एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स की जो एनर्जी कंजम्पशन होती है और मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस की जो एनर्जी कंजम्पशन होती है तो उनमें कंपैरिजन किया जाना आवश्यक है और या इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन किया जाना आवश्यक है। तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और मटेरियल हैंडलिंग प्रोसीजर, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम एंड मटेरियल हैंडलिंग